सो वेलकम टू एस पी एस डी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी एस डी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज की ये पांचवी क्लास है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की, जिनमें हम डिस्कस कर रहे थे पहले चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलारिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जो ये क्लास संचालित की जा रही है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत संचालित की जा रही है, जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज की हमारी ये पाँचवीं क्लास है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डाईपोल मूवमेंट। डाईपोल मूवमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इससे प्रश्न उठते हैं आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी फ़िज़िक्स की क्लास संचालित नहीं की जा रही थी और अब रोज़ रात 9 बजे फिज़िक्स की क्लास होगी। साथ ही साथ आप लोग चैनल पेज पर जाकर के प्लेलिस्ट में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने मॉडल सॉल्व पेपर भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने डिस्कस कर लिया है, और इन सभी टॉपिकों को मैंने 2022 के अनुसार जो सेमेस्टर फर्स्ट की आपकी परीक्षा कराई जाएगी उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया है। तो आप लोग वो क्लास जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा केमिस्ट्री के। साथ ही साथ मैंने फिजिक्स का मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है और मैथमेटिक का भी आपको मॉडल पेपर मिल चुका है। अब मॉडल साल पेपर मैथ का कराया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। कुछ अभद्र स्टूडेंट हैं जो क्लास के समय चैटिंग में अभद्रता के साथ व्यवहार करते हैं और उनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है, तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग या तो क्लास में उपस्थित ही ना हों या तो क्लास के टाइम पर क्लास ही अटेंड करें, और अब किसी का भी चैट बिना कोई कारण के आपके कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, अन्यथा मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। आप लोग ये वार्निंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ आप लोग क्लास में लड़ाइयाँ करते रहते हैं, एक दूसरे की बातों पर सुनते हैं और क्लास को ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट भी परेशान हैं, जिनका मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, और मैं स्वयं भी देख रहा हूँ कि आप लोग इस अभद्रता के साथ व्यवहार करते हैं मेरे मना करने के बावजूद भी। तो आप सबसे आशा है कि आप लोग अब क्लास के समय में कोऑपरेट करेंगे और क्लास पर पूरा ध्यान देंगे और क्लास के टाइमिंग पर पूरा सहयोग करेंगे सभी स्टूडेंट के साथ। चलिए मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलाई जा रही है, जिसमें हमारा पाँचवा क्लास है और ये नई शिक्षा नीति के तहत जो नया सिलेबस लागू हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जो पेपर है वो जनवरी के लास्ट वीक तक स्टार्ट होगा और कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना पेपर स्टार्ट भी करा चुकी हैं, तो आप लोग अपडेट रहिए अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। बात कर लेते हैं आपके क्लास की टाइमिंग का। जो आपकी क्लास का टाइमिंग है वो है यूट्यूब की क्लास का टाइमिंग, केमिस्ट्री की क्लास जो है वो रोज़ रात 8 बजे चलती है, फिजिक्स की क्लास कितने बजे, रोज़ रात 9 बजे, बॉटनी की क्लास रोज़ सुबह 6 बजे चलेगी। देखिए दोस्तों, मैंने बॉटनी की क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें मेरा हेल्थ उसी के कारण जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है और उस पर दोबारा क्लास की जाएगी, तो मॉडल पेपर आपको मॉडल सॉल्व पेपर दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर पोलारिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, जो आपका फंडामेंटल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा डाईपोल मूवमेंट। क्या है डाईपोल मूवमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव
आघूर, क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर, नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। मान लिया एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझिए कि मैं आप लोग को दे दूं और आपसे पूछूं कि ये बताइए कि XeF2SO2 और CH3CL में कौन सा डाइपोल मोमेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए दे दिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि एक बिंग, ये जो है बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl, इस प्रकार से आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसमें से कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। तो आप समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे कि डाइपोल मोमेंट का काम क्या है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को चेक करना कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये डाइपोल मोमेंट का काम। दूसरी बात, अब ये डाइपोल जो मोमेंट है, इस टॉपिक का नाम जो डाइपोल मोमेंट है, ये आया कहाँ से, ये डाइपोल मोमेंट जो है ये आया क्यों है, क्या करने के लिए इसका जो है आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, क्या कारण है, इसका क्या यूज है। तो इसका यूज क्या है, टू फाइंड, नोट करते रहेंगे, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, यानी कि डाइपोल मोमेंट का टॉपिक जो है वो फाइंड हमें क्या करने के लिए, क्या निकालने के लिए आया है, तो वो आया है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इतनी चीज नोट कर चुके। अब आपको, आपने देखा होगा कि आपने एक ऐसा ही रूल और पढ़ा था, एक रूल यानी कि एक नियम ऐसा ही आपने एक और पढ़ा है, जिसका क्या नाम था, उस रूल का नाम था फजान्स रूल। क्या, फजान्स रूल। तो फजान का नियम क्या है, यानी फजान का रूल आपने पढ़ा था, इसी प्रकार से है। तो जो फजान का रूल है वो ठीक इसका उल्टा होता है, क्या होता है, ठीक इसका उल्टा है फजान्स का रूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और डाइपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलता है, तो डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक जैसी कोई चीज़ होती है, आयनिक, क्या, आयनिक जैसी भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं या नहीं। तो जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है, एक है HF और एक है HH। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड करना है कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे आप देखेंगे, देखिए यहाँ आपको ये पता चलेगा, अगर हम बात करें H हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जो फ्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस इन द फ्लोरीन आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, देखिए फ्लोरीन आयन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो वो क्या करेगी, वो फ्लोरीन आयन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखिए प्लस के पास यहाँ पर अभी कमी है, ठीक है, तो ये फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो आप समझिए। अब दूसरी बात,
एच और एच की बात किया जाए तो इसका सेम चार्ज है, इसका चार्ज जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी प्लस चार्ज और यहाँ भी प्लस चार्ज, तो जहाँ पर दोनों सेम चार्जेस हो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा, क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और जहाँ पर डिफरेंस चार्ज होंगे वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आखिर में पोलर क्या है, कैसे हम फाइंड करें कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो जहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, नोट कर लीजिए, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाए वहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर चार्ज का साइन अपोजिट हो, डिफरेंस चार्जेस हो, तो वहाँ पर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव, जिनमें भी ऑब्जेक्टिव आना है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जिनका रिटर्न आना है उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर नॉन पोलर होगा, कहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता या जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता वहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर है कि जैसे मान लिया जाए कि BF3, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल कौन सा है, BF3। अब इसमें देखना है हमें कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो BF3 यहाँ से यहाँ पर, और एक ये सिंबल, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ F होगा, सॉरी, ठीक है, B यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। अब इसमें देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो बात किया जाए तो इसमें जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है बोरान की अपेक्षा, ये बोरान की अपेक्षा जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है, यानी कि बोरान पर प्लस चार्ज और फ्लोरीन की बात किया गया तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो बोरान की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो ज़्यादा है। मतलब इसका ये हुआ कि जब मेरे प्यारे दोस्तों, जब पोलर और नॉन पोलर डिफाइंड आपको करना होगा तो हमको प्लस यानी पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन देख करके नहीं फाइंड कर देना है, तब हमें पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए जब हमें पॉजिटिव साइन, यानी जैसे ये देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम लोग क्या, इसकी साइन देख करके हम लोग बता देते थे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब यहाँ पर BF3 में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर हमें ये नॉन पोलर साबित हुआ, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल का जब आपको डाइपोल मोमेंट निकालना होगा और पोलर और नॉन पोलर फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डाइपोल मोमेंट का सहारा लेना पड़ेगा पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि मेन पार्ट क्या है, यानी कि मेन टॉपिक आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, और डाइपोल मोमेंट में आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बताना है। अब बात कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट आखिर में होता क्या है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो इतनी कहानी अगर समझ में आ गई तो आपका डाइपोल मोमेंट क्लियर है, ठीक है। देखिए अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डिफिनेशन समझते हैं और समझाते हैं। देखिए इट इज डिफाइंड एज द पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ये डिफाइन किया जाता है पोलर मॉलिक्यूल लाइक कि HCl, H2O हैव द सेंटर्स ऑफ चार्ज आर कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट को हम पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा डिफाइन करते हैं, जहाँ पर भी पोलर मॉलिक्यूल आपको दिख जाए वो क्या है, वो डाइपोल मोमेंट कहलाते हैं। दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट में हमें फाइंड क्या करना होता है, तो इन ए डाइपोल मोमेंट बेसिकली डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ, बेसिकली
डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो पूरी तरह से उसमें आपको डिफाइन करना होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड में। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट डिफाइन द कोवेलेंट कंपाउंड हैज पोलर और नॉन पोलर, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डिफाइन करता है कोवेलेंट कंपाउंड में कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और तीसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इस, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो वेक्टर पी होता है और वेक्टर म्यू होता है। इसे कहीं कहीं पर वेक्टर पी और वेक्टर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग साइन इसका नोट कर लीजिए, वेक्टर पी और वेक्टर म्यू। ठीक है, अगला जो मेन पॉइंट है द फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, इसे वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो यहाँ पर क्यू क्या है, तो क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू इज द चार्ज ऑफ एनी वन एटम। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको बताना है क्यू इक्वल टू द चार्ज ऑफ एनी वन एटम, इन दोनों एटम में से आपको लिखना रहेगा, चार्ज लिखना रहेगा। और डी मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको बताना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस प्रकार से होता है। तो भैया डाइपोल जो मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन जो होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मान लिया कि यहाँ पर आपको बताना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहीं पर तो होगा, ये मान लिया, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कम है और इसकी अधिक है, क्लोरीन की अधिक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्लस आ रहे हैं, तो इसका जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। दूसरी बात, तो वेक्टर क्वांटिटी तो आपको समझ में आ गया, इसका डायरेक्शन क्या होता है इसको समझ में आ गया कि इसका डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन एक तरह और हम फाइंड कर सकते हैं, मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड में जब आपको लोन पेयर दिख जाए, क्या लोन पेयर दिख जाए, और अगर किसी एटम में आपको लोन पेयर दिख ही पड़ता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एटम दिखाई पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए उसका जो डायरेक्शन होगा, जो उसका डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से होगा, यहाँ पर इस प्रकार से इसका डायरेक्शन निकाला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लोन पेयर एटम दिख जाएं, तो लोन पेयर के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से फाइंड करना है, और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस प्रकार से बनेगा लोन पेयर एटम में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल देखिए यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाइपोल मोमेंट से बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे,
ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपके। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे, तो डाइपोल मोमेंट में मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया, इसका फार्मूला क्या होता है बता दिया, और साथ ही साथ इसका मतलब क्या है, इसका वर्किंग क्या है, क्या फाइंड करते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर ली। और इनके दो तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो डायरेक्शन होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोराइड है, तो इसका डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। आपको पता है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास प्लस चार्ज होता है, ये पूरी तरह से पोलर मॉलिक्यूल है, और ये पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट इसमें होगा, द्विध्रुव आघूर्ण इसमें कम्प्लीटली होगा, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शन इसका फाइंड करना हो, तो आपको बताया गया है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन की अपेक्षा जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर ही तो बनेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये डायरेक्शन है आपका। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको, डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट में पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए हमें एक तरीका और देखना पड़ेगा, पोलर और नॉन पोलर देखने के लिए हमें एक तरीका और देखना पड़ेगा। मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका हमें क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो इसे हम कहते हैं म्यू नेट। नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए म्यू नेट निकालेंगे, जहाँ पर म्यू नेट इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो जो जीरो आएगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। जहाँ पर जीरो नेट डाइपोल मोमेंट जब जीरो आएगा, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और जहाँ पर जीरो नहीं आएगा वहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। जैसे कि मान लिया जाए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हमें नेट डाइपोल मोमेंट इसका निकालना है, ये पोलर है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, सी डबल बॉन्ड जीरो। अब यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास प्लस चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो जो इसका डायरेक्शन होने वाला है, तो डायरेक्शन तो इसका इस तरह से बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के पास है, और फिर इसका डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्शन की बात होगी। यहाँ पर अब हम फाइंड कैसे करेंगे, तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है इसका फार्मूला, क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब हमें किस प्रकार से फाइंड करना है, यहाँ पर जो इसका म्यू नेट है वो क्या आ रहा है, म्यू नेट जीरो आ रहा है। तो जब म्यू नेट डाइपोल, जब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर होगा, क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और CO2 इस प्रकार से क्या कहलाएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं, और आपको इसका डिफिनेशन किस प्रकार से फाइंड करना है, इन सब की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डीबाई होती है, क्या होती है, डीबाई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डीबाई होती है। अब आपको डाइपोल मोमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सिखा देता हूँ और समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों ने नोट कर ली होगी, मुझे आशा है। और अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के डिफिनेशन की, हमें किस प्रकार से डिफिनेशन लिखना है आपके एग्ज़ाम में। तो आप लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स देन द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिमेन्स एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टू एटम बट इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम द बॉन्ड दस द फॉर्मेड बाई द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिफिनेशन लिखना है। अब हिंदी में आपको समझा देते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो जब एक सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य होता है, यानी सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य होता है, आपको पता है, इसी प्रकार से उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा परमाणुओं के बीच बिल्कुल समान ना होकर असमान होता है, तो उनके इलेक्ट्रॉन का युग्म का बंटवारा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इनके इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस पाया जाएगा, तो उस परमाणु की ओर अधिक हो जाता है जहाँ पर वैद्युत कोवेलेंट बॉन्ड अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के समान साझे से बने हुए बंध को हम एक पोलर अथवा ध्रुवीय संयोजक बंध यानी कि डाइपोल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इतनी बातें आपको लिखनी है कॉपीज में और आपको लर्न करनी है। तो मैंने समझा दिया, तो अब मैं सीधा टॉपिक पे बात करूँगा, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ चार्ज ऑफ वन पोल। ठीक है, यानी कि किसी पोलर अथवा ध्रुवीय अणु के बीच दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी व ध्रुवों पर उपस्थित हेल्थ इश्यू के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, चलिए। तो जो हम बात कर रहे थे किसी पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे कि डाइपोल मोमेंट में किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट यानी कि किसी भी पोलर अथवा ध्रुवीय अणु हैं इनके बीच, इनके ध्रुवों के बीच की जो अंतर, जो दूरी होगी यानी नाभिकीय जो दूरी होगी, वो एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। जैसा कि मान लिया जाए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl। तो इस प्रकार से HCl और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस चार्ज। तो अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है, और इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर अट्रैक्टिव होंगे किसी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, तो जब इनके डाइपोल मोमेंट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का साइन भी अंतर है, यानी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब साइन सेम रहेगा तो यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन की, कि आखिर में डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन मेन क्या होता है और किस प्रकार से हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं इसके एप्लीकेशन के माध्यम से। तो डाइपोल एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बेसिकली हम डाइपोल मोमेंट में फाइंड क्या करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। इसमें हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे विथ द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की सहायता से हम ज्ञात करेंगे द परसेंटेज एज आयनिक करेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड एज विल द रेडी डिफ्यूज, यानी कि पूरी तरह से हम डाइपोल मोमेंट में डिस्कस करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे आयनिक करेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड का। ठीक है, ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरे एप्लीकेशन में हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि उसके शेप पर बात करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल होगा उसके शेप के अकॉर्डिंग हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या निकलेगा, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उसके मॉलिक्यूल शेप के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके आकार के अनुसार भी हम डाइपोल मोमेंट
फाइंड करेंगे और डाइपोल मोमेंट के माध्यम से किसी भी मॉलिक्यूल का आकार पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सम्मिलित है या नहीं है और कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हमें डाइपोल मोमेंट में करना होता है। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक। तो तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन द बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। हमें डाइपोल मोमेंट की सहायता से सिस और ट्रांस आइसोमर निकालने का, उसमें किस प्रकार से कौन सा सिस ट्रांस है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनके जो चिन्ह होते हैं जितमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी आयनिक कलेक्टर भी आपको फाइंड करने को मिलता है। तो इसमें भी ये एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाए तो आप तीन एप्लीकेशन ही बताइएगा जो मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग कोई क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आप लोग के लिए कैसी रही। मुझे आशा है कि आज इस क्लास में आप डाइपोल मोमेंट, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। और कभी भी आपको पोलर बॉन्ड निकालना हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल निकालना हो तो आप लोग फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, जहाँ पर क्यू क्या है, जहाँ पर क्यू एक क्या है, एक चार्ज है ऑफ एनी एटम, और डी क्या है, डी है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। और हम डाइपोल मोमेंट को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर पी और वेक्टर म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। चौथी बात, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट डिबाई होती है, क्या होती है, डिबाई होती है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट क्यों आया, डाइपोल मोमेंट आया किसके लिए, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। इसी तरह से हमने एक रूल और पढ़ा था, फजन्स रूल। और फजन रूल जो है, फजन जो भाई साहब थे उन्होंने एक जो नियम दिया था वो नियम इसके विपरीत चलता है, यानी कि इसके उल्टा चलता है, सीधा इसके उल्टा, जो ये कहता है उसका उलट देता है, फजन्स रूल। बस इतना ही डिफरेंस है फजन्स रूल्स और डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग के लिए कैसी रही आप लोग बताइएगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए रहिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे, ठीक है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।